अंदर हम एरियल फोटोग्रामेट्री की जो डेफिनेशन है यानी कि टर्मिनोलॉजी से वो हम वन बाय वन देखेंगे, ताकि अगर हमें एरियल फोटोग्राफ का जो है वो एनालिसिस करना है तो हमें जो सारी की सारी टर्म है वो मालूम हो एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो आपको ये स्केच को जो है वो मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि एरियल फोटोग्राफी है तो उसके मेन मेन कंपोनेंट क्या है। तो ये जो आप स्केच है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो वन बाय वन हम एज अ डेफिनेशन उसको देखते जाएंगे। तो सबसे पहले है एक्सपोजर स्टेशन, द पॉइंट इन द एटमोस्फियर ऑक्यूपाइड बाय सेंटर ऑफ कैमरा लेंसेज एट इंस्टेंस ऑफ फोटोग्राफी। यानी कि जिस पॉइंट से हम हमारा जो है वो हम फोटोग्राफ लेते हैं एरियल फोटोग्राफी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोजर स्टेशन। यहाँ पर जो स्केच है उसके अंदर ओ से ये जो एक्सपोजर स्टेशन है वो दिखाया गया है। तो फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ फोटोग्राफ ले रहे हैं तो एक्सपोजर स्टेशन भी हमारे जो है वो नंबर ऑफ हो गए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिखाया गया है कि एक्सपोजर स्टेशन है, फॉर एग्जांपल हमें कोई एरिया का मेजरमेंट लेना है या फिर सर्वे करना है तो उसके लिए हमने एक्सपोजर पॉइंट डिफाइन किए हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर फर्स्ट फोटोग्राफ लेना है, सेकेंड फोटोग्राफ यहाँ पर लेना है, थर्ड फोटोग्राफ यहाँ पर लेना है, फोर्थ फोटोग्राफ यहाँ पे लेना है, फिर यू टर्न मार के फिर यहाँ पर फोटोग्राफ लेने, यानी कि जो जो फोटोग्राफ लेने के पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोजर स्टेशन। उसके बाद है फ्लाइंग हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एक्सपोजर स्टेशन एंड मीन सी लेवल। यानी कि जो हमारा एक्सपोजर स्टेशन है फोटोग्राफ का तो उसका जो है वो मीन सी लेवल जो है उसकी रेफरेंस टू जो हाइट है वो हमारी होगी फ्लाइंग हाइट। यहाँ पे जो है वो फ्लाइंग हाइट दिखाई गई है कैपिटल एच से, तो उसे हम बोलेंगे फ्लाइंग हाइट। यानी कि जो हमारा कैमरा है उसकी हाइट कितनी है विथ रेफरेंस टू मीन सी लेवल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइंग हाइट। यहाँ पर जो हमारा कैमरा लेंस है अप टू सी लेवल तो उसे हम बोलेंगे फ्लाइंग हाइट। नेक्स्ट है फ्लाइट लाइन, द लाइन ट्रेस्ड बाय एक्सपोजर स्टेशन इन एटमोस्फियर ट्रैक ऑफ एयरक्राफ्ट। यानी कि जो हम एरियल फोटोग्राफी के अंदर फोटोग्राफी जो करते हैं तो फोटोग्राफी के लिए हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो किस पाथ पे चलता है, तो वो जो हमारी पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट लाइन। यानी कि जिस पाथ पे जो है वो हमारा एयरक्राफ्ट चलेगा और वन बाय वन फोटोग्राफ लेगा, तो जो वो फोटोग्राफ के जो स्टेशन है पॉइंट उसको हम एक्सपोजर स्टेशन बोलेंगे, और जो फोटोग्राफ लेने का जो पाथ है एयरक्राफ्ट का उसको हम बोलेंगे फ्लाइट लाइन। उसके बाद है फोटो प्रिंसिपल प्लेन, इट इज़ अ पॉइंट ऑन फोटोग्राफ ऑब्टेन बाई अ प्रोजेक्टिंग कैमरा एक्सिस टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन फोटोग्राफ नोन एज फोटो प्रिंसिपल प्लेन। और उसके साथ साथ हम ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट भी देख लेते हैं, ताकि हमें दोनों का मीनिंग क्या है वो हमें पता चले। ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट के, कैमरा एक्सिस एक्सटेंडेड अप टू ग्राउंड, द पॉइंट ऑब्टेन्ड ऑन अ ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट कैपिटल के। यानी कि जो हमारा कैमरा है उसकी जो एक्सिस है, तो एक्सिस हम फॉर एग्जांपल ग्राउंड के ऊपर ट्रेस करते हैं तो वो जहाँ पे हम पॉइंट मिलेगा वो हमारा हो जाएगा कैपिटल के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट। और जो फोटोग्राफ के ऊपर वही जो पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो प्रिंसिपल प्लेन के। अब जो है वो हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, फोटो नेडिड पॉइंट स्मॉल एंड, इट इज अ पॉइंट ऑन फोटोग्राफ ऑब्टेन बाय ड्रॉपिंग वर्टिकल लाइन ऑफ कैमरा सेंटर, दैट प्लम्ब लाइन एक्सटेंडेड अप टू ग्राउंड गिव्स द ग्राउंड नेडिड पॉइंट। ओके, तो जो हमारा फोटो नेडिड पॉइंट है वो फोटोग्राफ के ऊपर फॉर एग्जांपल एक्सपोजर से हम प्लम्ब लाइन के ओर यानी कि ग्रेविटी डायरेक्शन पे अगर हम नीचे लाइन एक लेते हैं तो फोटो के ऊपर जो हमें प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मिलेगा उसे हम बोलेंगे फोटो नेडिड पॉइंट। अगर हम वही जो लाइन है उसको एक्सटेंड करके अप टू ग्राउंड ले जाते हैं तो ग्राउंड के ऊपर जो हमें पॉइंट मिलेगा वो है ग्राउंड नेडिड पॉइंट, उसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, और जो फोटोग्राफ के ऊपर है उसको हम स्मॉल एन से यानी कि फोटो नेडिड पॉइंट को दिखाते हैं। फिर है हॉरिजॉन पॉइंट, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ लेंसेज एंड प्रिंसिपल लाइन एन पी ऑन फोटोग्राफ। यानी कि जो प्रिंसिपल लाइन है एन एंड पी उसके ऊपर से हम एक लाइन पसार करें, और एक्सपोजर स्टेशन है और डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर से एक लाइन पसार करें, तो जो वहाँ पे इंटरसेक्शन होता है दोनों के दोनों लाइन का तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन पॉइंट स्मॉल एच। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेन, प्लेन डिफाइंड बाय एक्सपोजर स्टेशन ओ ग्राउंड नेडिड पॉइंट एंड ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट कैपिटल पी, दैट इज अ प्लेन एन ओ के। यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल प्लेन है वो क्या है, एन ओ एन पी, ये वाली जो ट्राइंगल वाली जो प्लेन है हमारी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन।
plane and OK. Next is principal line. Line of intersection of principal plane with a photograph plane. यानी कि जो हमारी photographic plane है और intersection है जो हमारे principal plane का, तो उसका जो intersection है उसको हम क्या बोलेंगे? Principal line. Azimuth. Clockwise horizontal angle measured about ground needed point from the true north to the principal plane of photograph. Azimuth जो है वो हमने एक लास्ट चैप्टर था उसके अंदर भी देखा था, जो फील्ड एस्ट्रोनॉमी था, कि नॉर्थ के रेफरेंस में हम कोई हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं तो उसे हम एजीमुथ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रू नॉर्थ है, उसकी डायरेक्शन ये है, और जो हमारे प्रिंसिपल पॉइंट है और ग्राउंड नेडेड पॉइंट है उसके बीच का जो हम एंगल मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एजीमुथ. अगर हम इजीली इसे समझना चाहें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्टार है तो उसका जो कोई वर्टिकल एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन. और नॉर्थ के रेफरेंस में जो उसका जो स्टार है उसका कोई एंगल है तो उसे हम बोलेंगे एजीमुथ. यानी कि नॉर्थ के रेफरेंस में कोई भी हम एंगल मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एजीमुथ. नेक्स्ट है स्विंग. एंगल मेजर्ड इन अ प्लेन ऑफ फोटोग्राफ फ्रॉम प्लस वाई एक्सिस क्लॉकवाइज टू द फोटो नेडिंग पॉइंट. यानी कि जो हमारी फोटो नेडिंग पॉइंट जो है उसके रेफरेंस में प्लस वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हम क्लॉकवाइज जो है एंगल मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं. यानी कि जो हमारा कैमरा है उसका स्विंग क्या होगा? तो जो एंगल प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ है और जो फोटो नेडिट पॉइंट है उसके दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम स्विंग बोलेंगे. नेक्स्ट है आइसोसेंटर. फोटो पॉइंट ऑन फोटो वेयर बाइसेक्शन ऑफ द टिल्ट फॉल्स ऑन फोटो. तो यहाँ पे जो है वो आइसोसेंटर है, रोटेड लाइन के ऊपर से यहाँ से दिखाया है आइसोसेंटर. पॉइंट ऑन अ फोटो वेयर बाइसेक्शन ऑफ अ टिल्ट फॉल्स ऑन अ फोटो. क्योंकि जो बाइसेक्शन है और जो हमारा टिल्ट है वो जहाँ पे फॉल होते हैं एक जगह पे उसको हम बोलेंगे आइसोसेंटर. नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ टिल्ट. इट इज अ लाइन इन अ प्लेन ऑफ फोटोग्राफ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल लाइन एट द आइसोसेंटर. यानी कि जो आइसोसेंटर के ऊपर जो प्रिंसिपल लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हमारी होगी टिल्ट, एक्सिस ऑफ टिल्ट होगी.